पार्सल कंटेनर में भरकर कटने के लिए जा रही 36 गौवंश को गौ भक्तों ने गौशाला भेजा। दरअसल गौरक्षक के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 4 लाइन पर एक पार्सल कंटेनर सागर से गुजरेगा, जिसमें बड़ी मात्रा में जानवर भरे हुए हैं, जिसके बाद धर्म रक्षा संगठन और गौ रक्षा कमांडो फोर्स ने बहेरिया थाना अंतर्गत 4 लाइन पर पार्सल कंटेनर को पकड़ा, जहाँ ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। जैसा कि रात में कल सूचना मिली थी धर्म रक्षा संगठन और गौ रक्षा कमांडो फोर्स की टीम को, कल रात में पटकोई फोर लाइन के आसपास एक गौवंश की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी है, जो कि हैदराबाद सूचना जाने की मिली थी। तो रात में मैंने पूरे गौ भक्तों की टीम को सक्रिय किया और रात में हम लोगों ने 3:30-4 बजे फोर लाइन पहुँचे तो एक गाड़ी गौवंश भरे हुए जा रही थी, तो उसको हम लोगों ने रोक कर उसको गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें लगभग 35 से 36 गौवंश हैं जो कि दयोदय गौशाला में भेजे हैं, बीरेंजल मालथोन की गौशाला में भेजे हुए हैं। साथ में बहेरिया पुलिस ने पूरी उसमें कार्रवाई करी है, मामला दर्ज कर गौशाला में गौवंश सुरक्षित हैं। प्रदेश में अभी इस समय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन तस्करी निरंतर जारी है, सरकार इसमें कड़ा कानून बनाए, तो हम सभी गौभक्त उन सरकार के साथ हैं जो गौवंश को बचा